भागलपुर नगर निगम में लाखों के घोटाले मामले को उजागर करने वाले सहकुंड स्थित पेट्रोल पंप के पूर्व कर्मचारी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मेयर पति व जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह से जान का खतरा तक बताया है। अनिल तांती ने कहा कि उनके द्वारा तरह तरह का आदमी भेजा जाता है और कहता है कि जान से मार देंगे। मैं छुप छुप कर घूम रहा हूँ, मानो सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूँ। बता दें, कुछ दिन पहले अनिल तांती ने बयान दिया था कि उनको नगर निगम के खाते से भुगतान किया जाता था। साथ ही उनके निजी गार्ड और उनके प्रतिष्ठान के अन्य कर्मियों को नगर निगम के खाते से लाखों का भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। सहमा हुआ कि रोज मैं डर रहा हूँ सर, उनके द्वारा तरह तरह के नगर अलग अलग तरह के आदमी भेजा जा रहा है और कहता है कि मत पैसा दे दो, नहीं तुम्हें बर्बाद कर देंगे, नहीं तो जान मार देंगे। कौन आ रहा सर? उनके द्वारा, उनका जो भी सहभागी हैं। किसके द्वारा? टुनटुन साहब के द्वारा। मैं इतना डरा हुआ हूँ सर कि मैं आज छुपते छुपते आया हूँ सर। पुलिस में शिकायत दी है, अभी तक कोई केस नहीं हुआ है सर, कोई केस नहीं उसकी तरफ। हम सर 10 जुलाई को किए थे सर, और अभी तक उसका कोई अथी नहीं मिला है सर। मैं इतना डरा हूँ सर, मेरे मुंह से बोली नहीं निकल रहा है सर। अभी जो मामले का आपने उजागर किया, इसके बाद फिर कोई धमकी? हाँ सर, बराबर रोज अलग अलग हमारे घर में टॉर्चर करता है, मैं छुप के रहता हूँ सर। आज मैं कैसे आऊँ, मेरी दशा को देख लीजिए कि मैं सर छुप के, जैसे लगता है कि मैं सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूँ। मैं उतना डर लगता है कि क्या बताऊँ सर, ये तो देखनी और समझनी की चीज़ है सर। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के तटबंधों का निरीक्षण करने भागलपुर के नौगछिया पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने गोपालपुर प्रखंड के लक्ष्मीपुर जमींदारी बांध का अभिया गांव से इस्माइलपुर बिंद टोली तटबंध के स्पर्श संख्या 2 और 3 के बीच कटाव स्थल का भी निरीक्षण किया। उसके बाद जल संसाधन मंत्री अधिकारियों के साथ जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तक निर्माणाधीन रिंग बांध का स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने इस्माइलपुर के बिंद टोली सहित कई जगहों पर प्रत्येक वर्ष कटाव होने से लाखों की आबादी को प्रभावित होने से बचाने के लिए अस्थायी निदान को लेकर कार्य योजना बनाए जाने की बात कही। मंत्री के निरीक्षण के दौरान भागलपुर सांसद अजय मंडल, प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीना, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, नौगछिया SP सुशांत कुमार सरोज सहित जल संसाधन विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। हम लोग आए हैं, पिछली बार भी जो एक जगह सिंक कर गया था, ये आपको इस्माइलपुर वाला बिंद टोली वाला जो एक जगह था, और मुख्यमंत्री भी जी भी आकर के ऊपर से सारा देख के गए थे उसको, तो आगे इसमें कैसे काम करना है, और पीछे जो गंगा प्रसाद जमींदारी बांध है वहाँ पर भी काम किया डिपार्टमेंट के लोगों ने, एक बड़े पॉपुलेशन को बचाया जिस हिसाब से एक जगह सिंक करके और पानी आ गया था, तो आगे क्या करना है उसी के लिए हम लोग आज आए हैं। और 2-3 इश्यू जो यहाँ के जो हमारे सांसद भी हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, तो उसके बाद हम लोग अभी सर्किट हाउस में बैठेंगे। आज जो मोटा मोटा चीज़ जो समझ में आया देख करके, और क्योंकि अर्ली बारिश हो गई, नहीं तो ये जो अभी आप देख रहे थे एंटी फ्लड स्लिप्स, ये सब काम तो हो जाता, लेकिन जब यस आ गया मई में, उसके बाद से जो काम भी हुआ था तो काम वहीं रुक गया था। तो इसको आगे कैसे ले जाना है, आगे और क्या क्या हो सकता है, इसी के लिए सर ये रिंग बांध एक बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है, और एक दो जगह हम तो इन लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो हम लोग देखे कि जितना मकई का ई लगा करके रखता है उसमें कैसे देखेगा इंजीनियर, ये भी तो देखना चाहिए। इंजीनियर तो जा ही रहा है बांध पर, और नीचे से चूहा निकल गया या आपको सीपेज पाइपिंग होगा, अब पूरा बांध पर देखे कि मकई का ढट्ठा जो होता है वो रखा हुआ है, तो बहुत मुश्किल है, उसमें तो घुस के देख भी नहीं सकता। तो ये सब भी लोकली समस्या है, और जो ये एक अल्टरनेट रूट बन जाए और इसका काम कंप्लीट हो जाए, तो इसको फोकस करके जहां हम लोग खड़े हैं करीब 19 किलोमीटर का ये जो रिंग बांध है, एक अल्टरनेट रूट भी हो जाएगा, प्रोटेक्शन भी हो जाएगा, तो इस पर काम बरसात के बाद इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। सर, इस्माइलपुर को बचाने के लिए आप किस तरह से लगातार खर्च किया जाता है प्रत्येक साल यहाँ? अरे हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 10 साल से खर्च किया जाता है, तो आज जो जानकारी मिली, जो जहाज आता है वो जहाज कट करके जाता है, और जो स्पर हमारा है उसको डैमेज कर देता है। नगर निगम में लगातार घोटाले का मामला गरमाता जा रहा है। मेयर व स्वास्थ्य प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के विरोध में फिर पार्षदों का एक समूह नगर आयुक्त से मिलकर जांच की मांग की। 2 दिन पहले नगर आयुक्त ने इन पार्षदों को जांच कराने का भरोसा दिया था,
जिसके बाद आयुक्त ने फिर से एक दिन का समय मांगा है। आयुक्त से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य प्रभारी रिहान बताएगा कि वो किस मामले में राज खोलना चाहता है। वहीं वार्ड पार्षदों ने कहा कि फिर से नगर आयुक्त ने समय मांगा है, हम लोग मामले की लीपापोती नहीं होने देंगे, अगर जांच शुरू नहीं होती तो हाईकोर्ट तक जाएंगे। बता दें कि नगर निगम में दो दो घोटाले मेयर पति और जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के नाम से सामने आए हैं। नगर निगम के खातों से लाखों का भुगतान किया गया है। भागलपुर के लोगों की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई है। सुन लिए ना, क्या जानकारी लिए ना? हाँ, जो इन्होंने आवेदन दिया था उस पर कार्रवाई करने के लिए हमने आज शाम तक का समय लिया है, उसको आगे करें। सर, रेहान ने कहा है कि हम मुंह खोलेंगे तो बहुत का कच्चा वो रेहान से बात कीजिए। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के न्यू बायपास के किशनपुर मोड़ के समीप स्थित बाबा का ढाबा में देर रात हथियारबंद पांच अपराधियों ने धावा बोलकर हथियार के बल पर काउंटर में रखे 15,000 से ज्यादा रुपये, नगद सहित कैश काउंटर और दो मोबाइल लूट लिए। अपराधियों ने इस दौरान ढाबा में काम करने वाले लोगों के साथ गाली गलौज भी किया। इस दौरान पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद यह मामला तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कैसे कैसे रात को घटना हुई थी? 1 बजे रात में 5 आदमी आया मोटरसाइकिल से, स्कूटी और मोटरसाइकिल से। दुकान में 2 आदमी घुस गया हथियार के साथ, काउंटर पे बैठे थे, काउंटर पिटाया धमकाया हथियार सटाया और पैसा काउंटर से लेके 15 से 20 हजार लेके चला गया और स्टाफ को मारा। 2 मोबाइल ले गया, ड्राइवर खलासी का भी और हमारा भी ले गया। कितना संख्या में आदमी थे? 5 आदमी। न्याय का मंदिर कहे जाने वाले न्यायालय परिसर में जब कानून का पाठ पढ़ाने वाले अधिवक्ता ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं तो फिर लोग न्याय के लिए किसका दरवाजा खटखटाएंगे। जी हां, भागलपुर व्यवहार न्यायालय उस समय अखाड़े में तब्दील हो गया जब पंखे के मामूली विवाद में वकीलों के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते देखते पूरा परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया और एक दूसरे पर लाठी डंडों से प्रहार करने लगा। घायल अधिवक्ता अरुण कुमार ने बताया कि मैं विधिक संघ में अपना कुर्सी पर बैठा था और अचानक पंखे को लेकर विवाद हो गया और अधिवक्ता महेश यादव से लड़ाई हुई। लड़ाई कर वह चला गया। कुछ देर बाद वह अपने सहयोगी अधिवक्ता राजीव झा, कपिल यादव, अजीत सोनू के साथ आया और मेरे सर पर जान मारने की नियत से प्रहार कर दिया, जिससे मेरा सर फट गया और मैं बुरी तरह से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही जोगसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अरुण कुमार को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गई। वहीं अधिवक्ताओं के 2 गुटों में हुए मारपीट के बाद चर्चा का बाजार गर्म है। अपनी कुर्सी पर बैठ करके मोबाइल में अपने सीनियर को दिखा रहा था और इसी समय जो है महेश यादव आया, हमको आते जो है 2 घुसा मार दिया मुंह में और उसके बाद खींच करके जो है बाहर निकाला। उसके बाद जब हम उसको अटैक करने के लिए उसको जो विरोध किए तो वो भाग गया, भागा। उसके बाद फिर दौड़ करके जो आ गया उधर से राजीव झा, कपिल देव यादव, अजीत सोनू और महेश मरने की नीयत से आके माथा में जो है बाइक के रॉड से मारा, जबकि जब खून बहने लगा तब वो छोड़ करके और तब तक वकील सब दौड़ा तो मुआवजे करके भाग गया। विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण यही है कि पहले से जो है हम लोग अभी तदर्थ कमेटी के मेंबर हैं और पहले से वो लोग यही गुंडागर्दी कर रहा था और उसके बाद सदस्य कमेटी में जब हम लोगों को जो अधिकार मिला जो काम देख रहा है यहाँ पर, इसलिए वो लोग जो है हर हमेशा डिस्टर्ब करता है कभी भी। सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल नल योजना गांव गांव और घर घर तक पहुंचा दी गई है। पदाधिकारियों के द्वारा गुणवत्तापूर्ण काम होने के दावे किए जा रहे हैं, जबकि सुल्तानगंज प्रखंड के अबजूगंज पंचायत के वार्ड संख्या 14 और 9 की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यहां वार्ड संख्या 9 और 14 में 3 वर्ष पूर्व ही पाइपलाइन का काम पूर्ण हो गया है, घरों में नल का कनेक्शन कर दिया गया है, जल मीनार बना दिया गया है, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद यहाँ के ग्रामीणों को
तीन दिन भी पानी नसीब नहीं हो पाया है। इससे नालाज ग्रामीणों ने मुखिया, वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ के कारण हैंडपंप से गंदा पानी आ रहा है, दूषित पानी पीने के कारण गाँव के कई बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी व पदाधिकारी की नजर हम लोगों पर नहीं पड़ी है। सात निश्चय योजना के अंतर्गत दोनों वार्डों में 500 से अधिक घरों में कनेक्शन तो कर दिया गया है, लेकिन तीन वर्षों में अब तक पानी नहीं आ पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के नाम पर रुपये की बंदर बांट कर पैसे का दुरुपयोग किया गया है। 9 नंबर 14 नंबर वार्ड में अभी तक पानी का जो है ना कोई व्यवस्था नहीं हुआ, जिसमें ये टंकी देख रहे हैं आपके सामने गड़ा हुआ है, टंकी टेढ़ा हो गया, 3 साल टंकी बंद हो गया, लेकिन अभी तक जो है ना पानी का कोई व्यवस्था नहीं। 3 साल पानी नहीं मिल रहा है, क्या कर रहा है? 3 साल हो गए बलियार लगा, 3 साल अभी तक पानी नहीं ना, पानी कहाँ पीतिया तो दूसरा कल पीतिया है, अभी बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, दूसरा कल में।